अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर ज़ारा ब्यूटी टिप्स चैनल। मैं हूँ नूर ज़ारा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कहंदा भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की मैं अपनी वीडियो में आपको विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मेरे पास ये एक पूरा पैक है जो कि विटामिन ई कैप्सूल का है। ये विटामिन ई कैप्सूल, इसमें एलोवेरा और विटामिन दोनों हैं। इस पैक पूरे पैक में तकरीबन 90 कैप्सूल होते हैं और ये मार्केट में आपको तकरीबन कोई 5 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है और आपको ये पूरा फुल पैक जो है 450 में आपको मिलेगा। ये फेशियल ऑयल होता है, ये हमारी स्किन के जो है एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। ये मेड इन चाइना है। आपको पता है कि चाइना फेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही नेचुरली जो हैं वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कैप्सूल्स नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए होते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या आपकी ड्राई स्किन है तो ये फिर आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। आपकी स्किन पे जब कोई फाइन लाइन्स आ जाती हैं, लाफ लाइन्स आ जाती हैं या रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं तो इसका आपने डेली यूज़ करना है। आपने करना है क्या है, एक कैप्सूल आपने डेली लेना है और उसको अपने नेक और फेस पे जो है उस पर अप्लाई करना है। जब आप इसको डेली का अप्लाई करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही हाइड्रेटेड, स्मूथ और सिल्की स्किन हो जाएगी। इसको आप जो है डेली सोने से पहले और दिन में सुबह फेस वॉश करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं। आप इसको क्रीम्स में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ क्रीम्स फार्मूलाज में मिक्स करके लगाए जाते हैं, सीरम में भी मिक्स किया जाता है। ये अंदर से कुछ इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं, ये आप देख लें। इनकी जो बाहर कोटेड होती है बहुत ही सॉफ्ट जेल की कोटिंग होती है। इसको आपने थोड़ा सा स्क्वीज़ करना होता है, यहाँ से तोड़कर थोड़ा सा ये पिंच करके आप ये बहुत ही सॉफ्ट सा जेल, इस तरह से आपने इसकी टिप जो है वो निकाल लेनी है, खो लेनी है और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको अपने फेस पे जो है ये अप्लाई करना है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगी। आपने इस तरह से जेंटली अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है और उसको ओवरनाइट छोड़ देना है, पूरी रात के लिए छोड़ देना है। और अगर आपने सुबह अप्लाई किया तो सारे दिन के लिए आपने इसको छोड़ देना है। कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटों के लिए लाजमी छोड़ देना है, उससे पहले आपने फ़ेस वॉश नहीं करना। इस तरह से जब आप इसको लगा चुकेंगे, ये देखें, ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखेगी और आपकी स्किन के जो रिंकल्स होते हैं वह आहिस्ता आहिस्ता उसको रिमूव करेगी और आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्लॉलेस बना देगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।